अभिषेक इनका सवाल है कि आजकल के लड़कों को बुरी लतें यानी एडिक्शंस और बुरी आदतें बहुत बड़े पैमाने पे लगती है, जल्दी लगती है, तो इन लतें और आदतें को कैसे छुड़ाया जाए, यानी एडिक्शंस को और हैबिट्स को, जो गलत हैबिट्स है उसको कैसे छुड़ाया जाए। हमको आदतें क्यों लगती है, लतें क्यों लगती है, यानी एडिक्शंस क्यों होता है, ये सबसे पहले हमें जानना होगा। अब मेरे जनरेशन के जो लोग थे उनके ऊपर ये संस्कार था कि शराब पीना बहुत गलत है, सिगरेट पीना बहुत गलत है, क्योंकि अच्छे लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, और शराब पीना तो बहुत ही गलत है, अच्छे लोग कभी शराब नहीं पीते हैं। ये जो संस्कार थे और ये समाज मान्य संस्कार थे, उस कारण काफी अच्छा असर हम पर हुआ। मेरे जमाने में मेरे कॉलेज में अगर 2500 लड़के हैं तो उनमें से एक आधा दूसरा शराब पीता था और 10-20 सिगरेट पीते थे। यानी शराब पीने वाले लड़के को कभी अच्छा नहीं समझा जाता था। आगे मैं पत्रकार बना, यूथ कॉलम चलाने लगा, और ये चुनाव में जो बच्चों को शराब पिलाई जाती है, कॉलेज के लड़कों को शराब पिलाई जाती है, उसके बारे में मैं लिखता था तो उसका काफी असर होता था। चुनाव में जो भी पार्टी होगी, शरीक होगी, क्योंकि पार्टियां हिस्सा लेती थी उन दिनों में, उनके यूथ विंग्स होती थी, तो वो शराब पिलाते हैं ये जाहिर तरीके से कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि शराब पीना पिलाना ये दोनों गलत बातें हैं, ये समाज मान्यता थी। इस कारण मेरी जनरेशन के काफी लोग इस लत से बच गए, इस एडिक्शन से बच गए। अब हमारे जमाने में थोड़ा पिक्चरों का भी साथ मिलता था, सिगरेट्स के बारे में नहीं। मेरे जमाने के पिक्चर्स में सिगरेट पीना ये एक हीरोइज्म का हिस्सा था, लेकिन शराब पीना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। मेरे जमाने के पिक्चर्स में, यानी 70s की मैं बात कर रहा हूं, 60s-70s की बात कर रहा हूं, 1980 तक मैक्सिमम पिक्चर्स में शराब पीने वाला जो हीरो होता है वो गलत संगत में पड़ गया इसलिए शराब पीता है, या फिर उसका प्रेम भंग हुआ है इसलिए अपना दुख डुबोने के लिए शराब पीता है और उसमें बर्बाद होता है, इसी ढंग की थीम्स रहती थी। आनंद के लिए शराब पी रहे हैं, सोशलाइजेशन के लिए शराब पी रहे हैं, ऐसे कोई दृश्य पिक्चर्स में नहीं होते थे। यानी समाज मान्यता भी लत से, लत ये बुरी होती है चाहे कोई भी लत हो, और थोड़ा सिगरेट के बारे में पिक्चर्स का सॉफ्ट कॉर्नर था, हीरोइज्म के साथ में उसको जोड़ा जाता था, लेकिन शराब को नहीं जोड़ा जाता था। धीरे धीरे पिक्चर्स बदलते गई। आजकल आम पिक्चर में शराब पीना केवल लड़कों ने नहीं, लड़कियों ने भी एक सोशलाइजेशन का हिस्सा बन गया है। उसमें कोई बुरी चीज है ऐसा कोई संदेश किसी तक पहुंचता नहीं, समाज का वातावरण बदल गया। आज अगर 2500 लड़कों का कॉलेज है तो उसमें शराब न पीने वाले लड़के ढूंढने पड़ेंगे। एग्जैक्टली अपोजिट है कि मेरे जमाने में 2-4 लड़के ज्यादा शराब पीते थे 2500 में से, आज के जमाने में 2-4 न पीने वाले होंगे, ये परिस्थिति है। कोई भी एडिक्शंस में समाज मान्यता और हम पर होने वाले संस्कार ये बहुत महत्व का रोल प्ले करते हैं। हम में से काफी लोग इसको स्वतंत्रता के साथ में जोड़ देते हैं। अरे भाई, लोकतांत्रिक देश है, हर युवक को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, यंग जनरेशन भी जिम्मेदारी से अपने निर्णय ले सकती है। ये किन चीजों के बारे में सही है, जिन पर हमारा हमेशा कंट्रोल रह सकता है, इन चीजों के बारे में ये बातें सही हो सकती है।
एडिक्शंस के बारे में मेरा बहुत अच्छा अभ्यास है, मैं हिप्नोथेरेपी बड़े पैमाने पर सिखाते आया हूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस 25 सालों से चलाते आया हूं, इसलिए उसके उस क्षेत्र के संशोधन मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। मुझे यह भी पता है कि एक बार लत लगना, एडिक्शन लगना आसान है, लेकिन उसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। यानी एक बार अगर आपको शराब की आदत लग गई, सिगरेट की आदत लग गई, तंबाकू की आदत लग गई, मैं ड्रग्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तो ये जो आम आदतें हैं, ये आम आदतें लगने के बाद भी सभी थेरेपीज का उपयोग कर छूटने का प्रमाण केवल 4% है। यानी जो एडिक्टेड बने हैं, जिनको लत लग चुकी है, उनमें से जो लोग प्रयास करते हैं, उसके लिए अलग अलग थेरेपीज का उपयोग करते हैं, बहुत प्रयास करने वाले लोगों में भी उनकी आदत से मुक्त होने का प्रमाण केवल 4-5% है। यानी 95% लोग उसमें फेल होते हैं, पूरी जिंदगी उसमें बर्बाद होती है। मराठी में एक बहुत सुंदर नाटक है गडकरी जी का, उसका नाम है एकच प्याला। उसमें दो डायलॉग बहुत मशहूर डायलॉग है। पहला डायलॉग है कि शराब छोड़ने का वही दिन होता है जब पहला घूट आप पीते हो, यानी पहला घूट लेने के पहले ही आप शराब छोड़ सकते हो, बाद में आपको शराब छोड़ना असंभव हो जाता है। दूसरा एक बहुत महत्व का वाक्य है, शुरुआत में आप शराब पीते हो और बाद में शराब आपको पीती है। ये दोनों वाक्य बहुत सही है। अभी मैं अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता हूं, प्रोग्रेसिव मोमेंट में हूं। प्रोग्रेसिव लोग ये मानते हैं कि शराब पीना बहुत ही गर्व की बात है। कई बार मेरे साथ बहस करते हैं कि तुम रैशनल हो, प्रोग्रेसिव हो, फिर भी शराब पीना गलत मानते हो, यानी उनको लगता है मैं पिछड़ा हुआ आदमी हूं। मित्रों, मैं ऐसा मानता हूं कि जो सही माने में रैशनल है वो तो कभी शराब को छुएगा नहीं, क्योंकि हर रैशनल आदमी अपने बुद्धि की स्वतंत्रता को बहुत कीमत देता है और उसने देनी चाहिए। एक बार आपको शराब की लत लग गई कि उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। ये जो दूसरा वाक्य मैंने इस नाटक का सुनाया एकच प्याला का, कि शुरुआत में आप शराब पीते हो और बाद में शराब आपको पीती है, वो 100% सही बात है। एक बार आपको लत लग गई कि उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, वो आप पर हावी होती है। अब कई लोग शुरुआत कैसे करते हैं, चाहे शराब हो चाहे सिगरेट हो, दोनों के परिणाम सिमिलर है। पहले तो इन चीजों के परिणाम क्या होते हैं मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला परिणाम ऐसा होता है कि आपका अपने ऊपर का कंट्रोल कम होता है, बुद्धि पर का नियंत्रण कम होता है, निर्णय शक्ति पर का नियंत्रण कम होता है, अपने आप का नियंत्रण कम होता है। दूसरा, आपको सभी प्रकार की साइकोसोमेटिक बीमारियां इस कारण निर्माण होती है। आपकी एंजाइटी बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज से लेकर सभी बीमारियां होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इवन स्किन डिजीजेस बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा परिणाम है, आप सेक्सुअली दिन ब दिन डिफंग होते जाते हो, यानी आप सेक्स करने की क्षमता खोते जाते हो। और हमारे शादी का अटूट हिस्सा है सेक्स। पति पत्नी दोनों को न्याय मिलना है तो दोनों में नॉर्मल सेक्स चाहिए। और शराब पीने वाला व्यक्ति और सिगरेट का एडिक्टेड व्यक्ति, इन दोनों पर सेम परिणाम होते हैं। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि टेंशन आने के बाद शराब पियो तो मुझे बहुत रिलैक्स लगता है। ये एक विशेष सर्कल है, दुष्ट चक्र है। ये जाने अनजाने में शराब की आदत आपके शरीर के साथ में और मन के साथ में खेलती है। यानी आपने शराब कंपलसरी पीनी चाहिए, इसलिए बड़े पैमाने पर टेंशन शरीर में निर्माण होता है।
और आपने शराब पीने के बाद में आपको एकदम रिलैक्स महसूस होता है, आपको बख्शीश दी जाती है ताकि आप बार बार शराब पिए। ये जो पहले आपके मन में और शरीर में बड़े पैमाने पर टेंशन निर्माण होता है, इसके पीछे कोई कारण नहीं होता है, केवल आपको शराब पीना है, शरीर को शराब की आवश्यकता है, अल्कोहल की आवश्यकता है, इसलिए टेंशन निर्माण होता है। यानी एक ऐसा विशेष सर्कल खड़ा किया जाता है कि आप बार बार शराब पिए, इसलिए ये आदतें बहुत बुरी है। इनको हम एडिक्शन कहते हैं, लत कहते हैं हिंदी में। ये साइकोलॉजिकल डिजीज माना जाता है और इसमें से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। इसलिए जो लोग शराब पीने में प्रतिष्ठा है ऐसा समझते हैं, मेरे पर बहुत कंट्रोल है, मैं कभी भी शराब छोड़ सकता हूं ऐसा मानते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप जो समझ रहे हो झूठ बात। आप जब चाहे तब शराब नहीं छोड़ सकते। जब भी आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है, हर एक के जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है, शराब पीने वाले के जीवन में भी आता है और शराब न पीने वाले के जीवन में भी आता है। जब भी फ्रस्ट्रेशन आता है तो शराब पीने वाला आदमी बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और ज्यादा इनएक्टिव बनता है। और जब भी आप किसी कारणवश डिप्रेस होते हो, डिप्रेशन आता है, तो उससे बाहर आने का एक ही बढ़िया तरीका होता है, आपका एक्टिव होना। और यहां तो और ज्यादा आप इनएक्टिव बनते हो, इसलिए डिप्रेशन के बाहर आना असंभव सा हो जाता है। और शराब की लत अभी तक लगी नहीं है तो डिप्रेशन के टाइम में वो लग जाती है। और मैंने पहले ही कहा कि सभी थेरेपीज का उपयोग कर केवल 4-5% लोग शराब या फिर तंबाकू की या फिर सिगरेट की लत छोड़ सकते हैं। इतनी ये डिफिकल्ट आदतें हैं। तो इन एडिक्शन से पहले से ही मुक्त रहे। और कुछ लोगों को अगर लगता है कि मैंने गलती की, मैं इस आदत में फंस गया हूं, इसके मुझे बाहर आना है, तो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं इसके, उनका सीधा सीधा उपयोग लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। कुछ समय के लिए आइसोलेशन में इस सेंटर्स में जाइए और पूरी ताकत से और मेहनत से इसके बाहर आइए। मैं जब चाहे तब शराब छोड़ सकता हूं, जब चाहे तब सिगरेट छोड़ सकता हूं, इस भ्रम में आप मत रहिए। यह हो गया आदतों के बारे में, यानी लत के बारे में, एडिक्शन के बारे में मैंने कहा। दूसरा, हमें कुछ बुरी हैबिट्स होती है जो हमारे जीवन में और किसी कारणवश निर्माण हुई होती है। यानी कोई ऐसी कृति हम बार बार दोहराते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में एक आधे बार वो कृति होती है, लेकिन वो किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए हमारी आदत बन जाती है। तो ये जो हमारी आदतें हैं और जो अच्छी नहीं है ऐसा हमको लगता है, वो आदतें भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको प्रोग्रामिंग करना होता है। पहले तो हमको निश्चय करना होता है कि इस आदत से मुझे बाहर आना है। दूसरा, मुझे यह मन में विश्वास निर्माण करना होता है कि मैं सही में इस आदत से बाहर आने वाला हूं, आ सकता हूं। और फिर प्रोग्रामिंग करना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो मेरी सीरीज है, श्याम मानव चैनल पर है, उसमें सम्मोहन का उपयोग कर, सजेशन का उपयोग कर हम कैसी आदतें छुड़ा सकते हैं, इसके बारे में अच्छा मार्गदर्शन है। वहां से आप ये मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस, ये कोर्स का उपयोग कर ये सम्मोहन प्रक्रिया आप सीख कर, उसके थेरेपीज का उपयोग कर अपनी आदतों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया का उपयोग कर शराब की आदत छोड़ी है, सिगरेट की आदत छोड़ी है, लेकिन इनका प्रमाण बहुत कम है। मैं पहले ही कह दूं, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर इस ढंग की लत आपको है, एडिक्शन है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर का आप उपयोग कीजिए, उनकी मदद लीजिए। ऐसे प्रोफेशनल सेंटर्स हैं, उनकी जानकारी आपको इजीली मिल जाएगी। उसमें से अच्छा प्रोफेशनल सेंटर चुनिए, वहां आइसोलेशन में जाकर रहिए और उन आदतों से, लत से मुक्ति पाइए।
जो बाकी अपनी सामान्य आदतें हैं उसके लिए इस प्रक्रिया का और इस ढंगे प्रोग्रामिंग का आपको बहुत अच्छे ढंग से उपयोग हो सकता है। अभी आप जो आदतें छोड़ना चाहते हो 100% पूरी तरह से छूट ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन कुछ आदतें छूटती है, कुछ आदतें 90% तक कम हो जाती है, बचे खुचे 8-10% बच जाती है, उनके साथ जीना हमको सीखना होता है। ये सब अपने खुद के साइकोलॉजी पर, अपने आत्मविश्वास पर डिपेंड होता है, अपने प्रोग्रामिंग पर डिपेंड होता है। मैंने कई लोगों की आदतें छूटते हुए देखी है, मेरी कई आदतें छूटते हुए मैंने देखी है, कुछ आदतें कभी छूटती नहीं ये भी देखा है, दूसरों को भी कुछ दूसरे की भी कुछ आदतें बिल्कुल छूटती नहीं ये भी देखा है। इसलिए पहले क्या होगा ये 100% कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम जो भी आदतें छोड़ना चाहते हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग का और सम्मोहन प्रक्रिया का बहुत इफेक्टिवली उपयोग किया जा सकता है और उसकी हमें बहुत अच्छी मदद होती है, ये बात सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।